पंचायत चुनाव में जिला परिषद हनुमानगढ़ के जोन 26 से कांग्रेस का टिकट दिलाने के लिए कांग्रेस पदाधिकारियों द्वारा पैसे मांगे जाने को लेकर एक जने ने गंभीर आरोप लगाते हुए प्रभारी मंत्री बीडी खल्ला को ज्ञापन सौंपा। चक हीरा सिंह वाला निवासी जनक राज अग्रवाल ने मंत्री को सौंपे ज्ञापन में बताया कि हनुमानगढ़ के जोन 26 से कांग्रेस का टिकट देने के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्य शबनम गोदारा व ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष जसविंदर सिंह ने 15 लाख रुपए मांगे। इस जोन में चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस का टिकट पाने के लिए हरिपुरा निवासी सरोज देवी पत्नी सतपाल बावरी दे ने दावेदारी की थी। प्रदेश कांग्रेस सदस्य शबनम गोदारा व ब्लॉक अध्यक्ष जसविंदर सिंह ने टिकट देने के एवज में 15 लाख रुपए मांगे। उनकी बातों का विश्वास कर 10 लाख रुपए दे दिए तथा 5 लाख रुपए 8 नवंबर को देने को कहा गया, लेकिन टिकट किसी दूसरे दावेदार को ही दे दिया गया। जब इसकी शिकायत की तो उनके खिलाफ झूठा मुकदमा थाने में दर्ज करवा दिया गया। हमने जी जिला परिषद के जोन नंबर 26 से टिकट मांगी थी और उसके हमसे रुपए लिए गए टिकट के बदले में। टिकट भी नहीं दी और रुपए भी नहीं दिए। जोन नंबर 26 से जो एसी महिला के लिए आरक्षित था, हमसे रुपए जी अवतार सिंह सरपंच शाहपीनी व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष जसिंदर सिंह बांदर ने रुपए लिए हैं शबनम गोदारा के नाम पर। बोले गए शबनम जी की बात ऊपर हो गई है और टिकट आपकी पक्की है, मिल जाएगी। हाँ जी, 10 लाख रुपए हमने पहले 10 लाख में बात हुई, 10 लाख हमसे ले लिया लीलू राम सेठ है जी संगरिया, जो जसिंदर सिंह काटतिया है उसकी दुकान पर रुपए दिए हैं। और बाद में बोले कि एक थापण जी और आ गए साथ में 8 तारीख को, बोले तो 5 लाख रुपए हमसे और मांग लिए। हमने बोले अभी दे देंगे, बोले कि रात को आ जाना रुपए लेकर। बाद में बोले कि सुबह आ जाना जब आप फार्म भरने आओ, तो हम सुबह आ गए जहाँ पर रुपए लेकर, वो 5 लाख हमसे पकड़ा नहीं। बोले कि आ जाते हैं, अब आ जाते हैं। बाद में दोपहर 1:30-2 बजे बोले कि आपकी टिकट तो कट गई।